हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज का व्लॉग मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो चुका है और मैंने मॉर्निंग में जब पोहा बनाया बच्चों को देने के लिए, मतलब उनको लंच में देने के लिए, तो बस वहीं से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। पोहा भिगो के रख दिया था और मूंगफलियाँ निकाल ली हैं। तो मूंगफलियाँ ना इसमें पोहे में बहुत टेस्टी लगती हैं। और आज है 20 सितंबर और आज है मेरे बेटे का बर्थडे और आज वेनसडे भी है। और जब जिस दिन उसका बर्थ हुआ था ना, उस दिन भी वेनसडे ही था, तो आज बहुत स्पेशल डे है। 20 सितंबर भी है, वेनसडे भी है और मेरा बेटा, मेरे बेटे का मतलब बर्थडे भी है। तो बस इसके लिए मैं, उसको फेवरेट लगता है उसका पोहा, तो बस उसके लिए पोहा बना रही थी। मतलब बेटी को भी अच्छा लगता है अब तो, वो भी खा लेती है, तो दोनों को लंच में आज मैंने पोहा बना के दिया है। तो मैंने इसके लिए प्याज कड़ी पत्ता वगैरह डाल दिया और आज ना मैंने ना पोहे में नमकीन डाली है। तो जो भुजी वाली जो नमकीन होती है ना, उसको जब मैंने मिक्स करा ना पोहे में, तो वो काफ़ी टेस्टी लगती है। और लास्ट में इसमें नींबू डाल दो या अमचूर पाउडर डाल दो, तो उससे भी बहुत टेस्ट लगता है। जो ये पोहा होता है बहुत ही हेल्दी होता है। तो बस आज दोनों को बस लंच में और मतलब नाश्ते में आज हमारा पोहा ही बना है। बस उसके बाद मैंने किचन की क्लीनिंग वगैरह भी की थोड़ी बहुत और सफाई वफाई करी। और ये देखो सुबह सुबह मैंने ना छोले भिगो दिए हैं और दाल मखनी के लिए मैंने उड़द की दाल और राजमा भिगो दिए हैं। मैं ये सब काम करने वाली नहीं थी, लेकिन पहले प्रोग्राम था कि हम शाम को बाहर खाने जाएंगे डिनर, और हमने दही भी जमा दिया है। और ये लेकिन अचानक से ही मेरे को दिमाग में आया कि बेट बन, फिर रात को ना लेट हो जाते हैं कहीं भी जाते हैं, तो क्योंकि बेटी भी थोड़ा सा आएगी शाम को, तो उसने कहा था कि मुझे तो थाली ले आना और आप लोग खाना खाने चले जाना। पर मैंने क्या किया कि मैंने घर पर ही सारा बनाने के लिए कर दिया कि चलो घर में ही बना लेते हैं सारा खाना। और मैंने शायद ज़्यादा ही बना लिया थोड़ा सा खाना, मतलब चीज़ें ज़्यादा बना ली। और मैंने दिखाई थी यहाँ पे, मैंने को बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दिया, पूरा रूम क्लीन है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर सब मैं झाड़ू पोछा वगैरह सब हो चुका है सुबह के टाइम ही। और उससे पहले ही मैंने छोले और ये दाल वगैरह भिगो दी थी। और ये अभी मैं नहा धो के आ गई थी, पूजा भी हो चुकी है मेरी और अभी बज रहे हैं 12। मैं जब टाइम देख रही हूँ आपको दिखा रही हूँ। और क्लीन है पूरा घर, बिल्कुल साफ़ सुथरा, और किचन भी बिल्कुल क्लीन है, बर्तन वगैरह भी धुल चुके हैं। तो बस अभी थोड़े बहुत कपड़े रह गए हैं, वो मैं बाद में करूँगी, तो क्योंकि ना अभी मुझे कुछ और काम है जो वो करने हैं। और ये वाली बेडशीट बहुत सुंदर लगती है जब बिछती है, मतलब कोई भी बेडशीट जब एकदम से बिछाते हैं तो बहुत सुंदर लगती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बजे 12, नहा धो ली थी, किचन घर की पूरी सफाई हो चुकी है और आज मेरे बेटे का बर्थडे। तो पहले हम सोच रहे थे कि बाहर जा कर के कहीं खाना खाएँ, लेकिन फिर एकदम से ना सुबह ही मेरा दिमाग में को मतलब ऐसा लगा कि नहीं, घर में ही बनाते हैं सारा खाना, क्योंकि ना बाहर जाएंगे ना तो फिर लेट भी हो जाएंगे, क्योंकि बेटी भी गई हुई है और बेटा भी स्कूल गया हुआ है और फिर हस्बैंड गए हैं, तो उन्हें भी वो भी लेट आएंगे थोड़ा सा, तो फिर लेकिन अगर हम रात को जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। तो इसलिए सोचा कि घर में ही खाना बनाती हूँ, जो भी बेटे को पसंद है वो। तो सुबह तो मैंने पोहा बनाया था, तो उसको बहुत पसंद है पोहा, और आज का पोहा बनना भी बहुत टेस्टी था। उसमें मैंने ना थोड़ी सी नमकीन भी डाल दी थी और हाँ आलू और मटर भी रखे हुए थे, लेकिन मैं डालना भूल गई थी। तो पनीर भी डाल सकते हैं और आलू मटर भी, तो मैं कई बार ऐसे भी बना लेती हूँ। और आज सिंपल भी बनाया था तो भी अच्छा ही बना था, ख़राब नहीं बना, बहुत टेस्टी बना था। नमकीन डाल दी थी क्योंकि ना जब हम MP गए थे ना उज्जैन, तो वहाँ पर हमने ऐसा खाया था कि नमकीन डाल के बहुत टेस्टी पोहा बनता है वहाँ पर, जहाँ वो उज्जैन में, उज्जैन में जो महाकालेश्वर मंदिर है भोले बाबा का, तो वहाँ पे जो हमने पोहा खाया था ना उसमें नमकीन डली हुई थी, तो वो बहुत टेस्टी था। तो आज मैंने भी नमकीन डाल के ही बनाया है। तो चलिए अब चलती हूँ किचन में, और पहले ना जो मैं वो वाला काम कर लेती हूँ जो ना शाम को थोड़ा सा तैयार होके तैयार मिलेगा ना, जैसे कि हरे धनी की चटनी जो मुझे बनानी है, वो मिक्सी का काम मैं करके रख देती हूँ। और मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने छोले और दाल मखनी के लिए ना मैंने दाल और राजमा, उड़द की दाल और राजमा भी भिगो दिए हैं। मैंने ना दाल और राजमा भिगो दी, ना राजमा कह रही हूँ, मैंने छोले भिगो दिए थे, ये छोले भिगो दिए थे सुबह, और ये राजमा और उड़द की दाल। और पनीर अभी नहीं आया है, पनीर का भी बनाएंगे। और मैं सोच रही हूँ, मैंने धनिया ले लिया है, पहले ना चटनी बना के रख देती हूँ, क्योंकि चटनी ना शाम को मतलब रख दूंगी ना फ्रिज में, अभी तो मैं अकेले काम करने वाली हूँ,
मतलब जब मैं ऐसे काम करती हूँ ना, बहुत सारा काम होता है, तो मैं ऐसे ना थोड़ा थोड़ा करके कर लेती हूँ कि पहले ये वाला काम, क्योंकि घर में ना इस टाइम कोई भी नहीं है, सफाई वगैरह हो चुकी है, तो मैं सोचा कि इधर उधर देख लो ना, किचन भी साफ है, बर्तन वगैरह भी धुल चुके हैं, तो मैं सोचा जो मिक्सी का काम है ना वो हम अभी कर सकते हैं, और जो चीज़ भीगी हुई है वो तो बाद में शाम को ही उबलेंगी, और पनीर भी बाद में आएगा तो वो भी बनेगा। तो अभी मैं क्या करती हूँ, चटनी पीस लेती हूँ हरे धनिया की, और जो इन तीनों सब्जियों को बनाने के लिए जो हमें मिक्सचर चाहिएगा ना पेस्ट, वो भी बना के रख लेती हूँ। तो बस धनिया वगैरह साफ कर लेती हूँ। तो ना अगर मैं ऐसे काम करूंगी ना धीरे धीरे, मतलब अभी से मिक्सी वगैरह का काम कर लूंगी और शाम तक फिर ये सारे काम ना मेरे टाइम पर पूरे हो जाएंगे। तो 8 बजे तक मुझे खाना तैयार करना है, तो मतलब अभी मैं सारा पूरा टाइम किचन में ही नहीं रहूंगी, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में और भी काम होते हैं, जैसे थोड़े बहुत कपड़े भी मुझे धोने हैं, क्योंकि कल वीरवार है, तो कल वीरवार को मैं पोछा भी नहीं लगाती हूँ और कपड़े भी धोऊंगी, तो आज ही मुझे वो काम करना है। पोछा मेरा लग चुका है, बस कपड़े धोने रह रहे हैं थोड़े से। तो मैं धनिया वगैरह साफ करके ना पीस लेती हूँ, चटनी बना लेती हूँ पहले। और ये ना सुबह फ्रेश ही आया है सारी सब्जियाँ, टमाटर, प्याज, आलू, धनिया, नींबू, हरी मिर्ची, सब चीज़ अभी फ्रूट्स भी, और बस पनीर लाना वो भूल गए थे, तो शाम पनीर शाम को आएगा। तो पहले धनिया की चटनी बना लेती हूँ सबसे पहले, और कढ़ाई पनीर और छोले जो बनेंगे ना उसके लिए पेस्ट बना के रखूंगी। बस यहाँ धनिया को थोड़ा साफ करके, जब चटनी बनानी है तो ना तो मैं ऊपर ऊपर से ही ना उसकी जो ऊपर से जो जड़े वगैरह होती है ना बस वही काटती हूँ, और उसके बाद उसको अच्छे से धो लेती हूँ धनिया को 3-4 बार, मतलब बड़े वाले जो पतीले होते हैं ना उसमें डाल डाल के, और फिर छलनी में डाल के उसको मतलब साफ़ कर लेती हूँ। धनिया को बहुत अच्छे से साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी बहुत ना मिट्टी रह जाती है तो फिर अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं मतलब हरी सब्जियों को ना हमेशा 4-5 बार वही धोना चाहिए, जैसे हरा धनिया हो, मेथी हो, पालक हो, तो इन सब चीज़ों को ना एकदम पतीले में ना डुबो डुबो के धोना चाहिए, जैसे कि कपड़े धोते हैं। तो बस यहाँ मैंने टमाटर ले लिए, प्याज ले लिए, 3-4 हरी मिर्च ले ली है, और धनिया मैंने ऐसे ही मतलब काटा नहीं है, मैंने धनिया को जो साफ़ किया था बस वही धो के रख दिया है, और ये बहुत अच्छा धनिया मतलब है तो थोड़ा सा ही। और हाँ, ये धनिया साफ़ करते मुझे याद है कि ना मैं बाकी सब्जियों के लिए ना धनिया रखना भूल गई ऊपर से डालने के लिए, तो बस यहाँ नमक ही डाल रही थी, बस चटनी में बनाने के लिए नमक और धनिया पाउडर डालती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हरी मिर्च तो हो ही गई है तो लाल मिर्च मैं नहीं डालूंगी। तो यहाँ बस मैंने नमक भी पॉलीथीन में से निकाल के डाला पैकेट में से, और बस इसको साफ़ करके ऐसे डिस रख दिया है। और यहाँ मैंने दिखा रही हूँ मैं आपको मिक्सी निकाली है जिसका मैंने कवर बनाया था, तो अब ये साफ़ रहती है। तो बस यहाँ मेरी चटनी भी पिस की है, और उसके बाद अभी मैं ना वो जो प्याज टमाटर का जो पेस्ट बनता है ना जो सारी सब्जियों में डलेगा, और बस उसको काटूंगी। तो यहाँ मैंने ना इतने थोड़े से ना मतलब दो दो के हिसाब से ले लिए कि दो दो प्याज एक सब्जी में डल जाए, और 3-3 टमाटर, और थोड़ा अदरक ले लिया है, 5-6 ही मैंने हरी मिर्च ले ली थी, और यहाँ बस मैंने इनको कट कर लिया है। और अब मैं इनको पीस लूँगी, पहले इसको ना फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा ना, जैसे देसी घी ले लिया है, काजू भिगो दिए थे, और यहाँ ये सारा सामान मैंने ले लिया है, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, काली मिर्च, लौंग, और दालचीनी, और जो धनिया का जो होता है ना बड़ी वाली मोटा धनिया ले लिया है, और तेज़पत्ता के कुछ टुकड़े ले लिए हैं, और कुछ मैंने साबुत ले लिए, जो साबुत है वो मैं बाद में डालूँगी, जो थोड़े से टुकड़े हैं ना उनको भी पहले डाल लेती हूँ, लेकिन जो बड़ी इलायची और छोटी इलायची है ना इनको मैंने कूट लिया है, क्योंकि जो बड़ी इलायची का जो छिलका होता है ना वो ना भाप फिर मुंह में आता है ना तो अच्छा नहीं लगता, नहीं तो फिर हमें इस पेस्ट को ना छानना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने बड़े छिलके को ना पहले ही निकाल दिया, जो इलायची का होता है ना बड़ी इलायची का उसको, बस उसके जो अंदर जो इलायची के जो दाने होते हैं ना सिर्फ वही मैं इस पेस्ट में डालूंगी। बस यहाँ देसी घी गर्म हो गया था, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं, और आपको थोड़ी सी ना इसकी क्वांटिटी ज़्यादा लग रही होगी क्योंकि ना ये 3 ही सब्जियों में बनने वाला है ना, इसलिए इसमें लौंग, इलायची सब 3-3 सब्जियों के हिसाब से ही लिए थोड़ी ज़्यादा करके, और प्याज टमाटर भी इसी तरीके से 3 सब्जियों के लिए मैंने लिए हैं, क्योंकि 3 सब्जियां बनने वाली हैं, शाही पनीर,
और हाँ, मैंने ना वो जो बना कह रही थी ना कढ़ाई पनीर, वो मैंने नहीं बनाया, मैंने शाही पनीर बना दिया, क्योंकि ना ये काफ़ी ज़्यादा हैवी हो रखा था। तो वैसे तो सब लोग, बच्चे भी बोल रहे थे, पति भी बोल रहे थे कि तुमने तीन तीन चार चार सब्जियाँ क्यों बना दी एक साथ। तो पता नहीं क्यों आज मेरा मन कर गया कि मैंने पूरी जो थाली मिलती है ना होटल वगैरह में, रेस्टोरेंट में, तो मैं उस टाइप की ना मतलब पूरी थाली सजा रही हूँ, तो इसलिए मैंने तीन चार सब्जियाँ बना ली। मतलब तीन तो सब्जियाँ हो गई और चटनी भी हो गई, रजनी की चटनी भी, और मैंने रायता भी बनाया, मैंने साबुदाने की खीर भी बनाई। और बस यहाँ पर ये जो प्याज और टमाटर है ना, इनको मैंने थोड़ा सा फ्राई कर दिया इसमें, मतलब हल्का सा नमक डाल दिया था जिससे कि टमाटर थोड़े से गल जाएँ, और अदरक का टुकड़ा भी डाल दिया था कट करके थोड़ा थोड़ा। बस इस मसाले को हम थोड़ा सा ना मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा ये भुन जाए अच्छे से। और यहाँ मैंने भीगे हुए जो काजू है ना वो भी डाल दिए हैं, इससे ना जो मतलब टेस्ट है ना सब सब्जियों का वो बहुत अच्छा आता है, बहुत शाही एकदम होटल जैसी ही बनती है। तो बस इसलिए अभी ना थोड़ी देर में ना इसको मैं बंद कर दूँगी गैस को, और आप देख रहे हो इसका कलर कितना अच्छे से लगने लगा, थोड़े थोड़े टमाटर ना गलने शुरू हो गए हैं। अब इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी, गैस को कर दूँगी बंद, और जब ये ठंडा हो जाएगा ना तब इसको मिक्सी में पीस लूँगी। तो ना इस पेस्ट से हम काफ़ी सारी सब्जियाँ बना सकते हैं, बहुत सारी सब्जियाँ। तो अभी तो देखो मैं तो तीन सब्जियाँ ही बना रही हूँ, लेकिन इस पेस्ट से काफ़ी सारी सब्जियाँ बन सकती हैं। तो बस यहाँ मैंने इसको पीस लिया है, अगर ये पेस्ट तैयार हो ना तो बस मैं शाम को ना जो सब्जियाँ उबालूँगी ना, जैसे छोले उबालूँगी और ये दाल मखनी उबालूँगी, और ये देखो हमारा पेस्ट कितना अच्छा सा बना है ना, बहुत ही स्मूथ सा अच्छा सा, और इससे हमारी तीन सब्जियाँ तैयार हो जाएंगी बहुत जल्दी। शाम को जो सब्ज़ियाँ बनी ना वो बहुत जल्दी से बन गई थी। और यहाँ बस मैंने मिक्सी को भी कवर करके रख दिया है, क्योंकि मिक्सी का काम हो चुका है ख़त्म, और अब मैंने साबूदाना भिगो दिया है, और अभी दो ही बजे नीचे, तो उससे पहले ही मैंने, क्योंकि ना साबूदाने को ना थोड़ा टाइम लगता है भिगोने में, मतलब भीगने में इसको टाइम लगता है, और जब ये जब बहुत अच्छे से भीग जाता है ना तभी इसकी जो खीर होती है ना वो बहुत टेस्टी बनती है, बहुत टेस्टी। तो क्योंकि ना मीठे में कुछ ना कुछ तो मुझे बनाना था, क्योंकि बेटे ने ना केक के लिए भी मना कर दिया था, मिठाई के लिए भी मना कर दिया था, तो फिर मैंने कहा कान्हा जी को भी तो भोग लगेगा ना, तो कुछ तो मीठा होना चाहिए, तो मेरे को लगा कि साबूदाने की खीर में बना ली है। अभी बेटा आएगा 2 बजे के बाद, तो दाल चावल कल बनाए थे शाम को, तो वो रखे हुए हैं, कुछ पोहा रखा हुआ है, और मैं और बेटा ही है लंच करने के लिए, बाकी हस्बैंड भी जा चुके हैं, बेटी भी जा चुकी है सुबह अपना लंच वगैरह लेके और नाश्ता वगैरह करके। तो अभी वो पेस्ट भी बन गया है जो मुझे तीनों सब्जियों में डालना है। मैं सोची थी मिक्स वेज भी बनाऊं, पर फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि नहीं खा पाएंगे ना इतना फिर, और फिर ज़्यादा भी हो जाएगा तो वेस्ट जाएगा, तो इसलिए मैंने तीनों सब्जियाँ बनाऊँगी, छोले और कढ़ाई पनीर, और जो मैं दाल मखनी भी हो रखी है, मतलब दाल भी हो रखी है, वो तो तीनों हो जाएंगी। और अभी साबूदाना भी मैंने भिगो दिया है, तो साबूदाना भी भीग जाएगा इतने 4-5 बजे तक, तभी बनाऊंगी खीर। अभी तो 2 भी नहीं बजे हैं, और अभी बस दाल चावल खाएंगे थोड़ी देर में, बेटा आ जाएगा तब, और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, फिर उसके बाद शाम को अपना काम करूंगी, मतलब किचन में ही जो काम करना है। और हाँ, जब बेटा आ जाएगा ना तो उसकी एक ना यूनिफॉर्म जो कल पहनी थी ना उसने वो रखी हुई है, मतलब यूनिफॉर्म वाली ड्रेस जो, और आज वाली भी हो जाएगी, तो उन दोनों को इकट्ठा ही धो लूँगी। तो बस कल, क्योंकि कल वीरवार है फिर धो नहीं पाऊँगी, तो इसलिए दोनों ड्रेसेस आज ही धो के रख दूँगी, और उसके बाद फिर अपना खाना वाना बनाने में लग जाऊँगी। और आज मेरे बेटे का बर्थडे है, बेटा हो गया 17 ईयर्स का, बड़ा हो गया है। तो देखती हूँ मैं आपसे शाम को ही किचन में, जब मैं खाना वगैरह बनाऊँगी, क्योंकि पेस्ट वगैरह बन के रख गया है, चटनी बन के रख गई है, और साबुदाने की वो साबुदाना भी बो दिया है। तो बस अब रह गया है बस उन तीनों सब्जियों को उबाल के, मतलब उबालना, पनीर को तो नहीं उबालना है, बस दाल मखनी और छोलों को उबाल लूँगी, और बस आटा गूंदूँगी, नान बनाऊँगी, चावल बनाऊँगी। अभी भी दाल चावल खा रहे हैं क्योंकि बेटे को चावल बहुत पसंद है, और चटनी भी मैंने ना इसीलिए बनाई है, और तीन सब्जियाँ हो जाएंगी और चटनी हो जाएगी, तो फिर मैंने इसलिए मिक्स वेज को कैंसिल कर दिया। मिक्स वेज कल वल फिर बना लेंगे, सब्जियाँ तो डेली में बनती रहती हैं। तो मिलती हूँ मैं आपको शाम को अब किचन में। तो बस ये शाम का टाइम, चाय बनाने के लिए किचन में आई थी, तो मैंने छोले भी उबलने रख दिए थे, और ये देखो छोले जब उबल गए थे ना, तो मैंने सिर्फ ये वाला पेस्ट डाला जो मैंने बना के रखा था, और सारे सूखे मसाले डाल दिए और तेज पत्ता, और ये मैंने तेल में ही ठोका है छोलों को। तो बस यहाँ पर अब ना हमारे पास पूरा पेस्ट तैयार है तीनों सब्जियों का, तो फटाफट से बन जाएगी सारी सब्जियाँ।
तो हमारे छोले बनने के बाद, छोंक लगाने के बाद मैं ना कुकर में डाल के ना एक दो सीटियाँ और लगा देती हूँ। तो बस उसके बाद भी पनीर भी आ गया था, तो पनीर आ गया था तो उसको मैंने कट कर लिया कुछ ट्रायंगल शेप में, कुछ चकोर शेप में। तो बस अब वो जो हमारा पेस्ट रखा हुआ है, बस ये हमने देसी घी डाला और कुछ मैंने बटर डाला इसमें, और जीरा डाल दिया है, तेज पत्ता डाल दिया है, और उसके बाद अब मैं डाल दूँगी इसमें वही वाला पेस्ट जो मैंने बना के रखा है, प्याज टमाटर अदरक हरी मिर्च का। आप लोग चाहें तो इसमें लहसुन का भी पेस्ट, मतलब लहसुन भी ऐड कर सकते थे, पर मैंने नहीं किया है। बस यहाँ मैंने ये दो तीन चम्मच इसमें पेस्ट डाला। बस अब मुझे दाल मखनी के लिए ही इसमें पेस्ट रखना है, क्योंकि छोले हमारे बन चुके हैं और अब बन रहा है शाही पनीर। तो मैंने शाही पनीर बना दिया, मैंने नहीं काटी शिमला मिर्च वगैरह। और इस तरीके से शाही पनीर ना बहुत टेस्टी बना था, मतलब तीनों चारों सब्जियां इतनी टेस्टी बनी थी। हरे धनिया की चटनी तो मेरे बेटे को बहुत ही फेवरेट है, तो इसीलिए मैंने हरे धनिया की चटनी बनाई थी। और सारी सब्जियां भी मैंने, सारी सब्जियां बनाने का मन मेरा था कि मैं बना लेती हूँ, कोई बात नहीं, जब बाहर नहीं जा रहे तो बच्चों का थाली खाने का मन है तो मैं घर में ही थाली कर लेती हूँ, तैयार कर लेती हूँ। तो बस यहाँ मैंने सारे सूखे मसाले डाल दिए हैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, और ये कसूरी जो मेथी होती है वो, उससे ना बहुत अच्छी खुशबू आती है। हींग वगैरह डाल दिया है। तो ये सब तैयार करके इसको मैं खदकने दूंगी थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा दूध। और यहाँ पे जो जार का जो सामान था ना, ये भी मैंने, मतलब जार में जो चटनी वगैरह लग जाती है ना, उसके सिर्फ ढक्कन को मैंने धोया है, क्योंकि जार में तो अभी दाल मखनी के लिए भी रखा हुआ है पेस्ट, तो मैंने जार में रख दिया था, छोड़ दिया था, क्योंकि जब दाल मखनी का भी छौंक लगाऊंगी ना तो उसी में से ले लूँगी। तो बस यहाँ थोड़ा सा ना इसको चलाते रहना है, क्योंकि ना इसमें जो काजू का पेस्ट डला हुआ है ना तो वो चिपकता है कढ़ाई में, तो बस उसके लिए इसको चलाते रहना है थोड़ी देर के लिए। और फिर मैंने इसमें दूध मलाई भी डाल दी है, उससे भी ना शाही जो आता है ना चीज़, वो इसी से आती है कि जो काजू से और दूध दही, मतलब मलाई से, आपके पास मतलब इसमें ना फ्रेश मलाई ही डलेगी और दूध। बस यहाँ इसका कलर देखो कितना अच्छे से आ गया है। बस इस अब इसमें थोड़ा सा खदक जाएगा, तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पनीर। और पनीर डालने के बाद बस सिर्फ इसको एक दो मिनट के लिए ही छोड़ना है गैस पर, ज़्यादा देर के लिए नहीं, और वो भी कम गैस पर। तो बस ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसमें पनीर, और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, बच्चों को भी पसंद, मतलब सारी सब्जियां, दाल मखनी भी बहुत, इस बार तो दाल मखनी भी इतनी अच्छी से बनी थी, बहुत टेस्टी वाली। तो बस यहाँ पर हमारी बस शाही पनीर की जो सब्ज़ी है वो भी मिनटों में तैयार हो गई, क्योंकि पेस्ट बना हुआ था। और शाही पनीर की सब्ज़ी में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि पनीर को काटने में कोई ज़्यादा वो नहीं होता है, फटाफट से पनीर भी कट जाता है और पेस्ट तैयार था। तो ये वाली सब्ज़ी भी हमारी बन के हो गई है तैयार। अब हमारी दो सब्ज़ियाँ बन के तैयार हो गई हैं, छोले भी और शाही पनीर भी। अब रह गया हमारा दाल मखनी, जो मैंने दाल भी भिगो के रखी हुई थी, उड़द की दाल और राजमा। तो यहाँ मैं दिखाई थी आपको छोले, छोले की तरी मैंने थोड़ी ज़्यादा बनाई है, क्योंकि ना थोड़े से अच्छे लगते हैं छोले, मतलब तरी वाले ही। तो बस यहाँ पर मैं दूध भी उबल गया था, उसमें मैंने इलायची पाउडर डाल दिया था, इलायची पाउडर मतलब इलायची को कूट के डाल दिया था, और साबूदाना को भी ना धो के अच्छे से छलनी में छान के, और फिर इसमें डाल दिया है, चीनी डाल दी है, काजू बादाम डाल दिए हैं, और जो आटा गूंध गया है मेरा, और आटा गूंध के बाद जो परात वगैरह जो भी बर्तन हुए ना उनको मैंने साथ के साथ धो दिया है बिल्कुल अच्छे से। और क्योंकि साथ के साथ काम करती रहूँगी ना तो किचन में भी पूरा फैलेगा नहीं, और बर्तन भी साथ के साथ धोती रही थी, और फिर भी रात को इतने बर्तन हो गए थे बहुत सारे। और बस यहाँ पर हमारी रखी हुई है ये उड़द, मतलब दाल मखनी। तो बस दाल मखनी भी ना मैं, मतलब वो ना दाल उबल गई थी तो बस उसका छौंक रह गया है, तो बस अब उसका छौंक भी मैं लगा लूँगी। तो उसमें मैंने डाल दिया था देसी घी फ्राई पैन में, फ्राई पैन मैंने वही रख रखा है, मतलब जो मैंने जो छोलों में जो छौंक लगाया था ना उसी का ही, क्योंकि जो छोलों का छौंक है ना वो मैंने उसमें डाल दिया था कुकर में। तो बस यहाँ पर हमारी दाल उबल गई थी तो मैंने इसमें सारे मसाले वगैरह डाल के वो वाला पेस्ट डाल दिया है, और इसमें थोड़ा सा बटर थोड़ा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि दाल मखनी नाम ही दाल मखनी है तो मक्खन तो जाएगा ही। इसमें भी मैंने थोड़ा दूध डाला, और इसको जितना अच्छे ज़्यादा से पकाओगे ना दाल मखनी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो बस यहाँ मैंने दूध डाल दिया था, और फ्रेश दूध ही है ये, मतलब उबला हुआ दूध है लेकिन सुबह का दूध है। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी मलाई भी थी वो भी मैंने मिक्स कर दी इसमें, और इसको खूब अच्छे से खदकना है, खूब अच्छे से इसको चलाते रहना है तेज़ गैस करके। उसके बाद मैंने ये जो दाल है मतलब उबल गई थी ना, तो बस इसको भी मैं ना कुकर में डाल के ही ना थोड़ी देर के लिए रख दूँगी गैस पर,
और ये देखो फ्राई पैन जार वगैरह सब खाली हो गए थे, तो बस इनको भी मैं साथ के साथ धो करके रख दूँगी। और अभी 6 बजेंगे, मतलब जब मैं बर्तन वगैरह कर लूँगी तो 6 ही बजे थे, 6 बजे तक मेरा सारा खाना वगैरह मतलब बन के तैयार हो गया है। सब्जियाँ वगैरह, चटनी वगैरह, आटा गूंद के रख दिया है, क्योंकि इस टाइम मैं थोड़ी देर के लिए छत पर जाती हूँ थोड़ा सा टहलने के लिए, और फिर उसके बाद मैं करूँगी पूजा। तो बस यहाँ बर्तन वगैरह जब साथ के साथ कर दूँगी ना, तो इतना ज़्यादा हैवी नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने करे इतने सारे करने के बाद भी ना रात को बहुत सारे बर्तन हो गए थे, क्योंकि रात को मैंने डिनर सेट भी खोल लिया, तो बस उसको पहले भी धोया, क्योंकि वो उतारती हूँ ना तो फिर उसके बाद गंदा सा ऐसा लगता है कि मन में कि कुछ होगा, तो मैं उसको भी धो के रखा था एक बार यूज़ करके, मतलब यूज़ करने से पहले भी धोना होता है और यूज़ करने के बाद भी। बस यहाँ मैं दिखा रही थी आपको कि ना मेरा किचन इस टाइम तक ये हालत है कि सारी ये वाली सब्ज़ी बन गई है। अभी मैंने ना जो कढ़ाई जो पनीर शाही पनीर है ना, वो भी कढ़ाई में से निकाला नहीं है, और सारी सब्ज़ियाँ मैं दिखाई थी आपको बन के तैयार हो गई हैं। और यहाँ पर ये जो खीर है ये भी बन गई है हमारी, साबूदाने की जो खीर है। तो बस ये साबूदाने की खीर को मैं थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख के जाऊँगी, क्योंकि कान्हा जी को जो भोग लगेगा थोड़ी ठंडी हो जाएगी। तो बस यहाँ मैंने उनकी चांदी की कटोरी ले ली है, चांदी की चम्मच ले ली है, और इसमें मैंने खीर ना मतलब ये निकाल के रख दिया है, तो थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी ना, तो फिर उसके बाद उनको भोग लगा देंगे जो पूजा करेंगे। तो बस यहाँ पर पूजा भी हो गई है हमारी, अब 7 बज रहे हैं। तो बस पूजा करने के बाद उसके बाद फिर मैंने मतलब थोड़ी देर के बाद मैंने इसको अपना डिनर सेट वगैरह निकाला और तैयारी करी खाने की, और फिर फुलके सेके। फुलके सेकने से पहले मैंने पापड़ बना लिए थे, क्योंकि पापड़ पहले तवे पे बना लूँगी ना, तो उसके बाद फिर फुलके सेकूँगी। तो बस इसको मैंने यहीं पर ही रखती हूँ डिनर सेट को ऊपर, तो एकदम से मेरा मन करा कि चलो कोई बात नहीं डिनर सेट ही निकाल लेते हैं, तो बाहर भी तो जाते हैं तो थोड़ा सा मेरा काम ही तो बढ़ेगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ बस मैंने डिनर सेट को खोल लिया है, और उसमें से मैंने सारा सामान तो नहीं, बस कुछ बाउल्स निकाल लिए थे और प्लेट्स वगैरह निकाल ली थी और कटोरियाँ निकाल ली थी। तो बस यहाँ पर ये पापड़ वगैरह सेक लेती हूँ पहले, और फिर बना लेती हूँ रोटियाँ, और उसके बाद दिखाते हैं आपको जो हमने मैंने खाना बनाया पूरा उसको। बस फुलके वगैरह सेक के मैंने बूंदी का रायता भी बना दिया, इसमें मैंने मतलब जीरा पाउडर डाल दिया है, और जो पुदीना पाउडर पीस के रखा है वो डाल दिया है, काली मिर्च पाउडर डाल दिया, और सारा खाना हमारा तैयार है। और मैं आ गई हूँ नीचे वाले रूम में जहाँ पे हमें खाना खाना है, तो सारा टेबल पर लगा दिया है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये है दाल मखनी, बहुत टेस्टी बनी थी खाने में भी, और ये देख रहे हो कितना अच्छा कलर आया है, और खाने में भी बहुत टेस्टी थी। और बच्चे भी बोल रहे थे कि भी आपने इतना सारा क्यों बनाया, एक ही सब्जी बना लेते या दो बना लेते आपने चटनी भी। और यहाँ देखो ये है हमारा शाही पनीर, और मतलब रायता भी बना दिया, सब कुछ बना दिया। तो मैंने कहा मतलब मेरी बेटी को ना थाली खानी थी उस आज, तो उसके लिए मैंने मतलब इतना वो तो बच्चे आके बोल भी रही थी कि, बल्कि हमने उसको बोला भी यही था कि हमने ना थाली मतलब मंगाई है। तो बाहर ना ये पत्थर काटने का काम हो रहा है, तो आप इसको अवॉइड करना, इग्नोर करना। और यहाँ देखो ये हमारी जो खीर है कितनी टेस्टी लग रही है, और ये है छोले। तो जब वो आई ना, तो आप उसका रिएक्शन देखना, उसकी बातें सुनना कि उसने क्या बोला कि मेरे को थाली नहीं खानी, मेरे को तो वो खाना खाना है जो आपने बनाया है, क्योंकि वो मेहुल को ना मेहुल को मैंने डाल के दिया ही था तभी खाना, और वो आ गई थी तो हमने कहा कि तेरे लिए तो हमने थाली मंगाई है, और ये खाने का देख रहे हो कितना सारा अच्छा लग रहा है टेस्टी सा। तो मेरे पास ना एक डिस्पोजेबल थाली ना रखी हुई थी, तो मैंने उसके लिए ना थाली ही लगा दी थी। और ये देख रहे हो छोले, दाल मखनी, शाही पनीर, पूरी टेबल हमारी लग गई है, पापड़ बना दिया था, रायता, खीर। बहुत मतलब अच्छा लगा मुझे खाना वाना बना के, बच्चों को भी बहुत पसंद आया। और जब वो बेटी ने आई ना, तो उसने मैंने उसके लिए ना पूरी थाली लगा के रख दी थी, क्योंकि मेरे पास एक डिस्पोजेबल थाली रखी हुई थी, तो वही थाली मैंने उसके लिए पूरी सर्व की। तो उसने बोला कि मुझे थाली नहीं खानी, मुझे तो
आपने जो खाना बनाया वो खाना है, तो उसको उसको सच में ये लगा कि हमने उसके लिए बाहर से थाली मंगा दी है और हमने खुद ने अपना घर में खाना बनाया है। तो बस आज का व्लॉग बहुत अच्छा था, बहुत पूरा दिन मेरा बिज़ी रहा, बेटे को भी बहुत अच्छा लगा। ये देख रहे हो ये वाली थाली मैंने उसके लिए तैयार की, तो इस थाली को देखकर उसने कहा कि नहीं मुझे आपने जो खाना बनाया वो खाना है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और बेटा ना वीडियो में कम आता है और आज उसने बिल्कुल भी नहीं आया, तो मैंने उसकी ना फ़ोटो लगा दी।